सर, झारखंड राज्य में जो थर्ड और फोर्थ ग्रेड के नौकरियों को लेकर जो झारखंड के छात्र आंदोलन काफ़ी कर रहे हैं जेएसएससी टीम के माध्यम से, सर आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, झारखंड स्टूडेंट स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, इसमें जो आज नियोजन नीति के खिलाफ उनकी मांग है कि यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को तृतीय और चतुर्थ वर्गीय नौकरी में मिलना चाहिए, तो सब तक सच है, इससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। आखिर झारखंड के जो यहाँ के मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, तो यहाँ के तृतीय और चतुर्थ वर्गीय नौकरी उन्हीं को मिलना चाहिए, इनकी मांग जाए। तो सर, आप क्या 60-40 यानी कि जो थर्ड और फोर्थ ग्रेड का जो ज्ञापन सौंपने आए हैं छात्र नेता लोग जेएसएससी टीम के माध्यम से, इसमें आप सहमत है या नहीं? देखिए, 60-40 का जो आपने दिया है जी, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो 60-40 है, मैंने जेएमएम के विधायकों से पूछा कि ये 60-40 है क्या, उन्होंने भी इसका क्लियर कट उत्तर दे दिया। और चूँकि इसका जो भी अध्यादेश या बिल जो भी है वो हमारे पास है नहीं, तो मैं उस पर ज़्यादा प्रकाश नहीं डाल सकता। मैं इतना ही जानता हूँ कि झारखंड के मूलवासी, झारखंड के आदिवासी को यहाँ के नौकरियों में 100% नौकरी मिलनी चाहिए। ठीक है सर, आपका कहना है, लेकिन आप जिसे बोले कि 60-40 में जिक्र हम नहीं करेंगे, लेकिन विधानसभा में तो जो काफ़ी आप लोग टी शर्ट 60-40 लेकर गए, विधानसभा के अंदर कर रहे थे, लेकिन सच्चाई ये है कि 60-40 का जो कागज है उसमें क्या है। देखिए, शब्द का बाजीगिरी बहुत ज़्यादा होता है, तो शब्दों की बाजीगिरी क्या है तो उसको पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। जब तक पढ़ के समझेगा नहीं और कहीं नहीं समझ में आएगा तो जानकार लोगों से पूछेगा, कानूनविदों से पूछेगा। तो 60-40 वाला जो कागजात है वो हमारे पास नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि तृतीय चतुर्थ वर्गीय की नौकरी में यहाँ के स्थानीय जो झारखंड में रहने वाले जो मूलवासी हैं, जो आदिवासी हैं, उनको 100% उनको नौकरी मिलना चाहिए, फिर ये 60-40 की बात ही कहाँ है। मैं तो कह रहा हूँ कि 100%, यदि 100 पद हैं तो 100 का 100 पद झारखंड में रहने वाले जो मूलवासी हैं, जो आदिवासी हैं, उन्हीं को मिलना चाहिए। तो क्या अभी विज्ञापन निकला है ये जूनियर इंजीनियर का, पीजीटी का, लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन का, यह तृतीय वर्ग की नौकरी है और इसके विज्ञापन में झारखंड शब्द का जिक्र नहीं है? नहीं, गलत है, झारखंड शब्द ही होना चाहिए। झारखंड में नौकरी के लिए निकल रहा है विज्ञापन, तो झारखंड ही नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे? झारखंड के लोगों को ही मैं बार बार कह रहा हूँ कि तृतीय और चतुर्थ वर्गीय नौकरी मिलनी चाहिए, 100% मिलनी चाहिए। और झारखंड शब्द का प्रयोग नहीं किया है, इसके सरकार वापस ले और उसमें या संशोधन करके झारखंड के लोगों के लिए, झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के लिए जोड़ दें। तो क्या सर, झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के साथ आप साथ हैं ना? नहीं, बिल्कुल, झारखंड स्टेट यूनियन जो मांग है जी, मैं अभी पढ़ा हूँ, निश्चित रूप से मैं उनके साथ। ठीक है सर, धन्यवाद सर। छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो जो अगुवाई कर रहे हैं जेएसएससी टीम के माध्यम से, क्या जो वर्तमान जो विधायक हैं रांची से सीपीसी द्वारा जो बोले, आप क्या कहना चाहते हैं? दूसरा, झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन जो पूरे झारखंड प्रदेश के, कोई पार्टी देख करके नहीं, पक्ष विपक्ष देख करके नहीं, ना भाजपा आजसू जेएमएम कांग्रेस को देख करके नहीं, जो भी माननीय हैं, जो विधानसभा के मेंबर हैं, सदस्य हैं, उन तमाम लोगों के पास हम लोग जा रहे हैं। और राज्य के जो तृतीय और चतुर्थ वर्ग के नौकरी में जो यहाँ झारखंडी शब्द को गायब कर दिया गया है और बड़ा बड़ा दावा किया जा रहा है कि हम इतने शिक्षक बहाली कर रहे हैं, जूनियर इंजीनियर बहाली कर रहे हैं, पीजीटी बहाली कर रहे हैं, इतना बहाली कर रहे हैं, तो हम पूछना चाहते हैं कि 60-40 चलते हो कि नहीं चलते हो, और चलते हो तो काहे राज्य बना है? तभी वर्तमान विधायक रांची विधानसभा क्षेत्र के आदरणीय सीपी सिंह जी ने हमारे मांगों को लिखित समर्थन देते हुए सील सिग्नेचर के साथ
अपना लेटर हेड में मुख्यमंत्री महोदय को भी अपना मार्गदर्शन और निर्देशन कर रहे हैं। इसके लिए झारखंड प्रदेश के तरफ से बहुत बहुत आभार, कोटि कोटि धन्यवाद। और आज हम लोग का अभियान का 8वें दिन है और मैं झारखंड प्रदेश के तमाम 5 प्रमंडल के 2400 जिलों के 81 विधानसभा क्षेत्र और 14 लोकसभा क्षेत्र के हमारे क्रांतिकारी साथियों से आह्वान है कि हमारे आने वाले 7 दिन और बाकी 6 दिनों के अंदर हर हाल में हमें हरेक के पास जाना है और उसका मंतव्य को जानना है। और जो प्राप्त करेंगे हम लोग ये दस्तावेज को, इसको हम लोग राज्य के महामहिम राज्यपाल महोदय को रिपोर्ट सौंपेंगे, माननीय स्पीकर महोदय के समक्ष बहुमत सिद्ध करेंगे और ज़रूरत पड़े तो दिल्ली जाकर के महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी से मुलाकात करके बताने का काम करेंगे कि झारखंडी जनभावना का, झारखंडी माटी का कत्ल कैसे किया जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद देवेंद्र।